सो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 फ्रेश जॉब नोटिफिकेशन। आज के अपडेट्स की बात करेंगे तो आज के अपडेट्स है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल एंड एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के लिए। सो अगर आप इनमें से कोई एक ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो आज का पहला अपडेट है इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड से। इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड को सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो सोनालिका ट्रैक्टर जो है वन ऑफ द टॉप 3 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन इंडिया, और ये ऑफर करते हैं प्रोडक्ट्स जैसे कि मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, इंजन एंड वेरियस फार्म इक्विपमेंट्स को। सो दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बीटेक या बी इन एग्रीकल्चर या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस पर्सन का रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास 1 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो ही आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए आपके पास बिफोर अप्लाइंग, जैसे कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, और आपके पास नॉलेज होना चाहिए कैड टूल्स का, और आपके पास गुड एक्सपोजर होना चाहिए 3D मॉडलिंग या फिर ड्राफ्टिंग इन NX सॉफ्टवेयर का, और आपके पास ऑटोमेटिव प्लास्टिंग एंड शीट मेटल एंड मशीनिंग कॉम्पोनेंट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। सो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो है डिज़ाइन इंजीनियर के लिए। उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, आपको जो है ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस करना होगा, और आपको DFMEA यानी कि डिज़ाइन फेलियर मोड इफेक्ट एंड एनालिसिस करना होगा, और आपको PFMEA यानी कि प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एंड एनालिसिस करना होगा। और नंबर ऑफ पोस्ट जो है इस रोल के लिए 10 वैकेंसीज अवेलेबल है। सैलरी आपको दिया जाएगा 16,500 से लेकर 27,000 पर मंथ। सो लोकेशन रहेगा जॉब का दिल्ली NCR के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो नेक्स्ट अपडेट है आज का स्टेना सिक्योरिटी डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड से। स्टेना सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ये ऑफर करते हैं हाई सिक्योरिटी सॉल्यूशन, और ये प्रोवाइड करते हैं बीस्पोक सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन और ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑटोमेटेड एंड इंटेलिजेंट रिक्वायरमेंट्स। सो दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा या बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। सो इनमें से कोई भी एक ब्रांच से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ स्किल्स चाहिए बिफोर अप्लाइंग, जैसे कि आपके पास साउंड टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए इन फील्ड या फिर आइदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड से रिलेटेड। और उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है एज ए सर्विस इंजीनियर का, और ट्रबल शूटिंग कैपेबिलिटीज भी आपके पास होनी चाहिए, और आपको कम्युनिकेट करना है इंडिविजुअल एट वेरियस लेवल्स पर। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है रेसिडेंट इंजीनियर के लिए। इसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा ही हैज़ टू अटेंड सर्विस रिक्वेस्ट फॉर ब्रेकडाउन या फिर सर्विसिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, एंड ही हैव टू गिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सर्विसेज टू कस्टमर एट स्टिपुलेटेड टाइम, एंड ही हैज़ टू मेक डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग इन अ टाइमली मैनर, एंड ही हैज़ टू पार्टिसिपेट इन इंस्ट्रूमेंट डेमोन्स्ट्रेशन। और उसके लिए सैलरी आपको दिया जाएगा 15,000 पर मंथ। लोकेशन रहेगा जॉब का बेंगलुरु कर्नाटक के लिए। सो सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। आपको और भी कुछ डिटेल्स जानना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो लास्ट अपडेट है आज का गैलेक्सी चेन्स प्राइवेट लिमिटेड से। गैलेक्सी चेन्स की बात करेंगे तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडस्ट्रियल रोलर चेन्स एंड कस्टमाइज कन्वेयर चेन्स के। सो दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर मेटलर्जी इंजीनियरिंग, इन दोनों ही स्ट्रीम के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए प्रायर टू अप्लाइंग, और कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए आपके पास बिफोर अप्लाइंग, जैसे कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, मैन पावर मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास होने चाहिए, प्रोडक्शन प्लानिंग, नॉलेज ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी आपके पास होने चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जॉब रोल जूनियर प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए, और आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे जैसे कि आपको हैंडल करना होगा प्रोडक्शन प्लानिंग को, मैन पावर कंट्रोल आपको करना है, मशीन मेंटेनेंस, क्वालिटी एश्योरेंस करना है एंड मेंटेन करना है ISO या फिर API डॉक्यूमेंटेशन। API एंड ISO का क्या फुल फॉर्म होता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी दिया जाएगा 12,000 पर मंथ। लोकेशन रहेगा जॉब का राजकोट गुजरात के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये थे आज के काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप देख सकते हैं।